आने वाली 20 फरवरी को बुध कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में सूर्य एवं बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही शनि एवं बुध की युति भी रहने वाली है। सूर्य बुध एवं शनि की ऐसी अवस्था में पांच राशियों की खूब धन लाभ होने वाला है। बुध अस्त अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से कि किन किन राशियों को क्या फल मिलने वाला है और उनको क्या लाभ होगा। देखिए, ज्योतिष के अनुसार किसी भी राशि का गोचर या ग्रह का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं जाकर के किसी ना किसी जातक के ऊपर प्रभाव डालता है और असर डालता है। अभी पंचांग के अनुसार सूर्य जो है 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आगामी 20 फरवरी को बुध जो है वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार 20 फरवरी से कुंभ राशि में बुध और सूर्य ये दोनों ग्रह के विराजमान हो जाने के कारण बुधादित्य योग उत्पन्न हो जाएगा। तो बुधादित्य योग अपने आप में श्रेष्ठ योग है, जिसकी कुंडली में उच्च स्थानों पर मूल त्रिकोण में अच्छे स्थान पर स्वराशि में यदि बुधादित्य योग बनता है तो उस व्यक्ति के पास संसार के सारे सुख ऐश्वर्य वाहन भूमि भवन इत्यादि सभी कुछ उसको प्राप्त होता है। तो वर्तमान में यह गोचर में स्थिति बन रही है। तो गोचर में यह स्थिति बनने पर मेष मिथुन और कर्क इन तीन राशियों को यह बुधादित्य योग जो है फायदा देता दिखाई दे रहा है। मेष राशि के जातक को अपने जीवन साथी से प्रेम और संयोग प्राप्त होगा और करियर में भी उनको सफलता की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनका मानसिक तनाव कम होगा, वैवाहिक जीवन उनका सुखमय होगा और कहीं यदि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उस इन्वेस्टमेंट में उनको लाभ की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होगी। और जो कर्क राशि है, कर्क राशि के जातकों को मन मुताबिक सफलता की प्राप्ति होगी, करियर में प्रमोशन की प्राप्ति होगी। यदि कोई नया प्रोजेक्ट उनके हाथ लगता है तो उस नए प्रोजेक्ट में भी उनको आर्थिक लाभ होगा, लेकिन थोड़ा कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, तो वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें।